चीते, चीते तू आ गया? कैसे? अरे ये देखो अपने चीता आ गया, संतु देख चीता आ गया। जय हिंद मैडम सर, चीता चतुर्वेदी रिपोर्टिंग मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? वो कहाँ है वो ना मैडम सर, वो बस जो है वो पंचर है गई थी तो बस वही बजाते लेट है वे। अबे टुंडा कैसे हुआ वो पूछ रहे मैडम सर। अच्छा ये वो का है तो ना मैडम सर कि हम बस में बैठ के आ रहे थे आराम से शांति से तो दूर कहीं हमें एक आम को पेड़ दिखाई दियो और आम के पेड़ पे एकदम लप लपाता हुआ पीलो पीलो पको हुआ आम दिखाई दियो। हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो, हमने आम को देखो, आम ने हमको देखो। आगे आगे फिर हमें वो एड फिल्म याद आ गई जहाँ में एक खूबसूरत सी महिला अपने हाथ में आम लेकर के पको पको लप लपाता हुआ पीलो पीलो सो आम अपने मोहड़े के ऊपर ऐसे ला के निचोड़ रही है और यहाँ ते जो है वहाँ जूस यहाँ ते रपट रपट के नीचे जा रहा है। और फिर हमें अचानक से याद आ गई हमारी संतोष जी और फिर हमने सोचे कि यही आम यही तरीका थे अगर हमारी संतोष जी खाएंगी तो। फिर फिर का मैडम हम गए आम के पेड़ के पास लपक के चढ़ गए आम के पेड़ के ऊपर। हमने आम ते कही ये भैया तुम्हें तोड़ ले मैं का तो आम ने हम ते कही हाँ भैया तोड़ लो। हमने तोड़ ली। फिर अरे फिर का पुष्पा जी फिर आगो बगीचा को मालिक हमें धौंस दिखाने लगो। हम नीचे उतरे पेड़ के और छाती चौड़ी करके गए बा के सामने और हमने बातें कही सुन ले बेटा पुलिस वाले है रखे सनसनाती हुई कान के नीचे धर दई ना अगर चकाचौंध है जाएगो घबरा को बेचारे घबरा से धर धर कांपने लगो। पता नहीं क्यों बाकी कुत्ता ना समझ पाए हमारी ये बात दौड़ा लियो हमें। हम आगे आगे कुत्ता हमारे पीछे पीछे। फिर हम हड़बड़ाहट में जो है फिसल के गिर गए और बस वाह की वजह से ये चोट लग गई। आम लाए हो? वो तो कुत्ता के पास हो गया। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी आप ठीक हैं ड्यूटी के लायक हैं या एक हफ्ते की छुट्टी और चाहिए? नहीं 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 मैडम सर बिल्कुल कर लेंगे। अरे यहाँ पे आके तो हम जो है एकदम व्यवस्थित महसूस कर रहे हैं। वेल इन दैट केस वेलकम बैक। थैंक यू मैडम सर। कुत्तान से बच के रही हो संतोष जी। बड़ी मुश्किल से लेके आए आपके लिए। ये क्या है? हम भी कोई कम जिगर वाले ना है संतोष जी। खूंखार दरिंदा कुत्तान के मोड़े तक छीन के ला रहे हैं आम आपके काज। मैंगो से एलर्जी है। क्यों काहे को? अरे संतोष जी। ए टुंडे अब ये कुत्ते के मुंह से छिना हुआ आम तू ही खा। मैडम सर आप ये बताइए कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? बकवास चीज है शादी। वो सब तो ठीक है पर लाइफ में एक बार तो ये बकवास सबको करनी पड़ती है ना। क्यों क्यों करनी पड़ती है? किसने कहा कि शादी करना जरूरी ही है? नहीं करनी हमें शादी? हेलो हेलो मैडम मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ आप जो भी बोल रहे हैं हमें सुनाई दे रहा है आप बोलिए। अरे नहीं मैम मेरा नाम जो है जो जैकब। हाँ बोलिए मिस्टर जो। आपने हमारे वेबसाइट पर प्रोफाइल डाला था शादी करना चाहते हैं आप? लड़का देख रही हैं आप शादी के लिए? अरे ये हेलो मैडम एक मिनट एक मिनट। हाँ
हाँ जी बोलिए। जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो हूँ, मैं थाने आ रहा हूँ आपकी वेरिफिकेशन के लिए। एक मिनट, ये वेरिफिकेशन के लिए थाने आना क्यों जरूरी है? मैम कंपनी की पॉलिसी है, तो आप प्लीज उपलब्ध रहिएगा तो मैं आता हूँ थाने। मैम नाम जरूर याद रखिएगा, जो जैकब्स। तभी मैं सोचूं मैडम सर मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही थी, मैं नहीं सुनना चाहती थी। हमने नहीं बनाया है प्रोफाइल, अम्मी ने जबरदस्ती बनाया है, ठीक है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, समझ गए? आपके पेट में बात रहेगी? सैलरी चाहिए तो रखिए पेट में बात। चाय 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 यहाँ रख दे, खुद ही रख दो, आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। ना चाहिए फिर जा। थैंक यू। हेलो, रॉन्ग नंबर। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है। या मैं रिकॉर्ड कर दो, कार्रवाई आ जाएगी। मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है राइटिंग में। आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया खत्म है, व्यवहारी है। कैसे पूछ रही हो? कैसे हम बताने कैसे? रिपोर्ट काई पे लिखवाओगी? कागज पे। कागज काई को बनायो जावे? पेड़न को। पेड़ काटे जाएंगे, ऑक्सीजन कम होगी और सृष्टि को संतुलन बिगड़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, बिना मौसम के ओले पड़ रहे हैं जयपुर में, अरे एक दिन भड़ाम है जाएगा। कछु समझ में आ रही है आपको बात? या सृष्टि के विनाश में अगर सबसे बड़ो हाथ कोई को होगा ना, तो वो महिला होंगी आप होंगी, बर्बाद करने वाली हम सबको। अब बताओ लिखूं रिपोर्ट? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी। शुरू है जाओ। रुकिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, एक काम करते हैं, सरकारी खर्चे पर आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा सा बेड तकिए और गद्दे के साथ लगवाते हैं, फिर आप आराम से अंगूर खाते हुए ड्यूटी पर लेटे रहिएगा, क्या ख्याल है? मैडम सर वो हम तो बस वही बस एक बात जो उधर जाइए, वरना सोचिए कि लाकी गेट पर सब्जी बेचते हुए कैसे लगेंगे। भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, भिंडी कद्दू लौकी बैंगन टिंडे, जा भाई जा। नहीं पुष्पा जी। जी मैडम सर। आप FIR रजिस्टर लाइए और आप हमारे साथ आइए, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे पति मोंटी इंजीनियर है, बहुत दिनों से वे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, नाच रहे थे, गा रहे थे, अचानक पॉटी कर दी। मोंटी ने? लवली ने, मेरे डॉगी ने। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पॉटी कर, फिर क्या, नाराज हो गए? खुद ही पॉटी करके खुद ही नाराज हो गया? मोंटी नाराज हो गए, मेरे हस्बैंड। अरे कितना कंफ्यूजन है। अम्मा क्या बकैती कर रही हो, मुद्दे पर आओ। मोंटी ने एक ऐप इन्वेंट किया है जिसका नाम है Appsara। मोंटी का दावा है कि ये ऐप हर एक काम कर सकता है जो एक बीबी करती है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसी को भी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने में मिलेगा ऐप? मिलो। यहाँ तक कि किसी भी मर्द को अपनी बीबी के ना अत्याचार सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ
मामा क्या बोले जा रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं मैडम, अब बीबी की जगह लेगा ये ऐप। मोंटी, मोंटी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। आप यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठिए आराम से, बैठिए, बैठिए, बैठिए। संतू पानी, शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें ये क्या बकवास है? बीवी की जगह कौन ले सकता है? बीवी और शनि से तो साक्षात देवता भी पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। ये टुच्चा सा ऐप क्या चीज है? इनके हस्बैंड को फोन लगाइए, बुलाइए थाने, देखते हैं क्या चीज है इनके हस्बैंड। जी मैडम सर। लिसन, रिलैक्स, काम डाउन, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ है क्या बताने के लिए? नहीं, क्यों? जब से देख रही हूँ अपना पेट पकड़ के अड़ी तिरछी घूम रही हो तुम। ऐसा तो तभी होता है ना जब तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ होता है और तुम बता नहीं पाती हो। बताना बताना क्या है? हाँ देख, तेरा पेट हल्का हो जाएगा, बता। कुछ नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं सुना मैंने और कोई नहीं आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। नोबडी। बस कौन है ये नंगा पुंगा सो? अरे हट, मोंटी शर्मा हट। क्या है ये सब? कौन है ये? मैडम सर, यही मोंटी है, सोना का पति। बहुत बार फोन किए, माना ही नहीं, इसलिए उठा के लाना पड़ा यहाँ पे। ऐसे ये मैडम, ये क्या है? ये क्या तरीका है मैडम? ये किसी शरीफ आदमी को यहाँ थाने बुलाने का कैसा तरीका है? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं शहर में? नहीं मैडम, एक शरीफ आदमी शांति से अपने बाथरूम में नहा भी नहीं सकता है? ठीक से साबुन तक लगाने नहीं दिए हमको मैडम। धड़ाम से दरवाजा तोड़ा, भड़ाम से अंदर आए और हमें घसीट के यहां तक लेकर आए मैडम। मैडम टॉवेल तक नहीं पहनने दिया हमको। नहीं, ये इज्जत ढकने के लिए था मैडम, किसी का सूख रहा था, खींच के हमें पहनना पड़ा। नहीं मैडम, आप बताइए, ये कोई तरीका है ये शरीफ आदमी को ऐसे ऐसे घसीट कर इस पुलिस थाने में लेके आने का? कोई तरीका है ये? मैडम सर, आप हमें ऐसे क्यों घूर रही है? आपके तरीके से प्यार से भी समझाए थे इसे, फोन किए थे, अब नहीं माना तो गले लगा ले तुमको। इसलिए अपने तरीके से उठा के लाना पड़ा यहाँ पे इसको। आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए मिस्टर मोंटी, आई एम सो सॉरी कि आपको इस तरह से यहाँ पर लाया गया। हम हसीना मलिक हैं, यहाँ की थाना इंचार्ज। हमें दरअसल आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए बुलाया। लेकिन आप कुछ पहन लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं मैडम, अभी ढकने के लिए बचा क्या है? पूरा शहर हमारा यह हाल देख चुका है। हाँ वो बात भी सही है। आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए कुर्सी। आप बैठिए, आप शांति से बैठिए। बैठिए बैठिए। संतोष शर्मा पानी, इनके लिए ये लीजिए। देखिए दरअसल आपकी एक बहुत कीमती चीज है जो हमारे पास है, वही लौटानी है।
मेरी कौन सी चीज? आइए। यही है वो कीमती चीज, आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी, आपकी जीवन साथी। इनसे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? और आप इन्हें छोड़ रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं? जी हाँ मैडम, मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूं, क्योंकि अब मुझे मेरी बीवी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में अप्सरा आ चुका है। हाँ हाँ भैया, अप्सरा आ गई है तो अब लुगाई की क्या जरूरत है? तुम बैठो चुप, नहीं तो दूसरा हाथ भी ऐसे लेके घूमोगे। नहीं। और तुम ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के गिरोगे और मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। अबे तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बेफजूल बेतुका सा जो ऐप है ये बीवी की जगह ले लेगा भाई? हाँ ले सकता क्या मैडम, ऑलरेडी ले चुका है। क्योंकि आप लोगों की पूरी लाइफ ना ऐसे ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है, समझे आप लोग? भूख लगी है, ऐप है ना? कहीं बाहर जाना है, ऐप है ना? गाड़ी घर साफ करना है, ऐप है ना? शादी करनी है, ऐप है ना? क्यों मैडम सर? आपने थोड़ी ना कोई प्रोफाइल डाली थी dulhan.com पर? आप थोड़ी ना अपने लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हो शादी करने के लिए मैडम सर? आपके वेरिफिकेशन के लिए dulhan.com से यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए मैडम, बात को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। मैं एक बिजनेसमैन। अरे तौलिया संभाल ले तौलिया मैन। तो तौलियों पे मत जाओ यार। देखिए लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए मेरे इस प्रोडक्ट पे, अगर मैं ही अपने इस प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट नहीं करूंगा, अगर मैं ही अपने इस ऐप को अपनी बीवी से ऐसे रिप्लेस नहीं करूंगा ना, तो कैसे लोग मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? वैसे मुझे सोना से कोई शिकायत नहीं है, शी इज जेन्युइनली अ गुड गर्ल। हम का बकैती कर रहे हो, कुछ भी बकिए जा रहे हो, हवालात के अंदर डाल देंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगा तुम्हारे। मंजूर है मैडम, मंजूर है, वैसा ही करते हैं, मंजूर है मुझे। मैं रहता हूं आपके यहां पे इस लॉकअप में अपनी मर्जी से। मेरा चैलेंज है 24 घंटों में आप लोग कोई एक काम प्रूफ कर दो जो सिर्फ बीवियां कर सकती है, मेरा ये ऐप नहीं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी हार मान लूंगा और ढोल नगाड़े के साथ अपनी बीवी को बाइज्जत अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों को पूरी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोग अपनी हार मानती हैं, कि बीवियों की किसी को कोई जरूरत नहीं है, बीवियां इतिहास हो चुकी है। तो बोलिए है मंजूर? बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए है मंजूर? मंजूर है। मैडम सर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जरूरत था ये उल्टा तीर लेने का। 24 घंटे की तलवार लगा दी आपने हमारे सर पर,
अमा ये केस तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना। जरूरत थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मोंटी का नहीं है, सवाल है सारी वाइव्स का। ये एक महिला पुलिस थाना है, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं कि एक ऐप बीवियों को रिप्लेस कर दे? वही तो हम कह रहे हैं मैडम सर, इस एक केस की वजह से आपने सभी बीवियों के रिप्लेसमेंट की तैयारी कर दी है, क्योंकि आपके जज्बात के एंगल से तो ये मोंटी की सोच का इलाज नहीं होने वाला है। करिश्मा सिंह अब चैलेंज तो ले लिया है, इसलिए ये महिला पुलिस थाना इस केस को सॉल्व करके रहेगा, क्योंकि सवाल अब सारी बीवियों का है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.